तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र विषय के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग ए टू जेड पूरा का पूरा देख सकते हो। पूरा टोटली पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला है। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का कुछ टोटल आपका पेपर होने वाला है। अब चलेगा, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं और विषय है आपका भौतिक शास्त्र। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक शास्त्र के पूरे पेपर को आज हम यहाँ से देखेंगे। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका टोटल 70 नंबर का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आया है। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको निर्देशों को पढ़ लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा न्यूटन। यहाँ से आपको इसका उत्तर नोट कर लेना है, न्यूटन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा, 2 का उत्तर क्या आ जाएगा, 2 का उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों विस्थापन। 2 का उत्तर क्या आ जाएगा, विस्थापन। उसके बाद 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। उसके बाद में अभी तक हमने आ बा सातक का देख लिया है। उसके बाद में 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो देखिएगा, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, बल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, 0.1 अश्वशक्ति बराबर होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 0.1 अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है ना, इसका उत्तर आपको ये लिख लेना, 74.6 वाट के बराबर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आएगा कोणीय संवेग कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि लिखा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। तो देखिएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा आपका ये वाला। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा नोट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो रिक्त स्थान पूर्ति का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना है, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, केशकी उन्नयन का कारण है। तो देखिएगा, केशकी उन्नयन का कारण क्या है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, पृष्ठ तनाव। कौन सा कारण है, पृष्ठ तनाव इसका पूरा कारण है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, आदर्श द्रव्य का सैनांत गुणांक है। तो देखिएगा, 2 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना, 0। कितना है होगा, 0 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, परम शून्य ताप का मान होता है। परम शून्य ताप का मान क्या होता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है -273 डिग्री और 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, 273.15 डिग्री और सेल्सियस इसका होता है। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, निकाय के रुद्रोष प्रमास में प्रसार में उसकी कुल ऊर्जा होती है। तो देखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में लिख लेना है, नियत रहती है। क्या लिख लेना इस जगह पर, नियत और उसके बाद रहती और उसके बाद में है, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, आदर्श गैस समीकरण है। देखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, आदर्श गैस समीकरण क्या है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, PV बराबर और उसके बाद में RT, PV बराबर RT इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई सेंटीमीटर होती है। तो देखिएगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ से आपको लिख लेना है 99 और उसके बाद में 0.4 सेंटीमीटर, 99.4
सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद जा नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, विस्पंद आवृत्ति है तो देखिएगा जा नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिख लेना है, यहाँ से आपको लिख लेना है एन वन और माइनस यहाँ पर आपको लिखना है एन टू, इसका राइट आंसर ये होगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीन में आपको जोड़ी पूछी जाएगी, जोड़ी का मिलान कैसे आप लोग करोगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और पूरे के पूरे जोड़ी मिलान को समझते हैं। तो जोड़ी मिलान में प्यारे विद्यार्थियों पहले नंबर पर क्या लिखा है, आवृत्ति। तो देखिएगा आवृत्ति की जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है, हार्ट से। किससे हो जाएगा इसकी जोड़ी का मिलान, इससे। दूसरे नंबर पर लिखा है सा आगा में अधिकतम आवेग। तो देखिएगा ये जो बा नंबर का क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ का मिलान आपको कर लेना है इससे, यहाँ से। और सा नंबर के क्वेश्चन में सार्वत्रिक गैस नियतांक, तो देखिएगा सा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ का मिलान आपको किससे कर लेना है, इससे। उसके बाद वेग, दा नंबर में जो लिखा है वेग, तो वेग की जोड़ का मिलान किससे हो जाएगा, इससे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पृथ्वी की आकृति, ई नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसकी जोड़ का मिलान आपको कर लेना है चौथे नंबर से। उसके बाद जूल, फा नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा फा नंबर के क्वेश्चन का जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे, कोणीय संवेग से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा इसकी जो जोड़ी का मिलान होगा ना, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा इससे। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा जोड़ी मिलान देख लेंगे। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है एक किलोग्राम भार बल कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक किलोग्राम भार बल जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर यह होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यास्थ संगठन में क्या संरक्षित रहता है। तो देखिएगा 12 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, ऊर्जा व संवेग दोनों इसमें संरक्षित रहते हैं। क्या क्या, ऊर्जा और संवेग दोनों इसमें संरक्षित होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक लिखिए। तो देखिएगा 7 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आपसे, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना मीटर, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है घूर्णन त्रिज्या का क्या होगा, तो यहाँ से आपको लिख लेना मीटर। उसके बाद आवेग का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आवेग का सूत्र क्या होगा, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें और नोट कर लेंगे, आवेग बराबर और उसके बाद में बल गुणा समयांतर, आवेग बराबर बल गुणा और समयांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, पृथ्वी तल पर पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ई नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे, जी एम और उसके बाद में ई एम, जी एम ई एम और बटे में यहाँ पर आपको लिख लेना है आर ई, यहाँ पर क्या लिख लेना आपको आर और ई, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद में फा नंबर के क्वेश्चन को, ये फा नंबर का क्वेश्चन लिखा है, आदर्श गैस में आंतरिक बल कितना होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या लिख लेना है, शून्य। आदर्श गैस में आंतरिक बल कितना होता है, शून्य होता है। उसके बाद में किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, इसका उत्तर आ जाएगा आवेग, क्या होता है इसमें आवेग, इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें, व्युत्पन्न मात्रक से क्या अभिप्राय है, मात्रक क्या है, एक समान गति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार से, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है, 12 ये लिखा गया है और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में ए टू जेड इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।